गुड मॉर्निंग। आज है तुलसी जी की विदाई, दीप दिवाली, तो आज हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं बनाऊंगी पुआ और मैं बनाऊंगी पूड़ी और उसके साथ हलवा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने दो बाउल ले रखा है। एक में मैंने आटा लिया है पूड़ी के लिए और दूसरी बाउल में मैं बनाऊंगी पुआ। बहुत ज़्यादा पुआ नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बनाऊंगी और नए स्टाइल में बनाऊंगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा पुआ मेरा बना था। तो उधर मैंने कट किया हुआ डाल दिया है गरी, जो कि और मैं आटे का ही बना रही हूँ, बहुत लोग मैदे का बनाते हैं। और बस इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची कूट के। और सुबह सुबह का टाइम होता है, जल्दी होता है, तो मेरा भी काम फटाफट होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ एक साथ जितने काम हो निपटा लूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर। तो मैंने एक कटोरी आटा लिया था और उसमें गरी कट किया हुआ लिया था, इलायची डाला और उसमें मैंने डाला है एक कटोरी से थोड़ा सा कम शक्कर। और इसको मैं अभी नहीं सानूंगी। और मोइन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ राइस पैन ऑयल। सबसे पहले मैं कड़ा कड़ा आटा सानूंगी और पुए वाला आटा भी मैं नहीं सानूंगी, क्योंकि चीनी मेरी खड़ी है तो पसर जाएगी या गीली हो जाएगी। जो भी मम्मी लोग ऐसे नहीं बनाती थी तो मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो बस मैं इसको फटाफट कड़ा कड़ा आटा सानूंगी। जब तक मेरा गरम हो रहा है तब तक मैं फटाफट आटे को चिकना कर लूँगी और उसकी मैं 31 लोई बनाऊँगी, क्योंकि आज के दिन मैं 31 पुआ और 31 पूड़ी बनाती हूँ। जैसे कि पूरा एक महीना होता है, कभी 30 का कभी 31 का, तो मैं एक ज़्यादा ही बनाती हूँ, 31 ही बनाती हूँ। तो बस फटाफट मैं काउंट करके लोइयाँ काट लूँगी। पहले मैंने एक छोटी सी पूड़ी डाली है। अब मैं फटाफट, जब मैंने 10-15 पूड़ी बेल ली थी उसके बाद मैं तलती भी जा रही हूँ, ताकि जब तक मेरा घी गर्म हुआ था तब तक मैंने इतनी पूड़ियाँ बेल ली थी और मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बेलती हूँ। अब इधर मैं फटाफट अपनी सारी पूड़ियाँ तल लूँगी। और ये कढ़ाई मैं लाई हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं आता, क्योंकि जो ऑयल यूज होता है उसको आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते हैं। आप वेस्ट जितना हो सके उसको जल्दी यूज करके ख़त्म कीजिए या तो आप उसको हटा दीजिए। तो ये देखिए मेरी एक साथ में 3-3 पूड़ियाँ बन जा रही, तो ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी। Thank you.
पूरी बन के हो गई थी रेडी, उसके बाद मैं पुए का आटा सान रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा मोइन कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा मोइन और डाला, और इसकी भी मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊँगी, 31 टोटल लोई। और इसमें गरी थोड़ी सी बहुत महीन मैंने नहीं काटी थी, छोटे छोटे पीसेस में थी, फिर भी कड़ी कड़ी लगती है और शक्कर भी था, तो इसको मैंने ऑयल लगा के अच्छे से चिकना किया। अब इसकी छोटी 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 मैं लोइयाँ बना रही हूँ, और मैं इसको बेलूँगी नहीं, हाथ से टिप टिप करके मैं ऐसे छोटा छोटा पुआ बनाऊँगी। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा ये पुआ बना था मेरा। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म है तो मैं सारे टुकड़े इसमें डाल दूंगी, कम से कम 10 में डाल दूंगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। और इसको उसके बाद मैं आँच को धीमा कर दूंगी, धीमी आँच में 2 से 3 मिनट तक ठुकवा पकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है तो इसको पकने में टाइम लगता है अंदर तक पक जाए। तो बस मैं अपना ठुकवा फटाफट तल रही हूँ, इसके बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रही हूँ। और मैंने छोटे छोटे ठुकवा बनाया है, आप चाहिए तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। मेरा बन गया था, ऑयल मेरा ज़्यादा था तो मैंने ऑयल को निकाल दिया क्योंकि मुझे उतना ही रखना जितना मुझे हलवा बनाना। तो आप देखिए मैं कितना हलवा बना रही हूँ, तो जितना मैं आटा लेती हूँ उतनी मैं शक्कर लेती हूँ। आटे को अच्छे से भून लूँगी, जब आटा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, महकने लगता है, जब आप आटे का हलवा बनाइए तो बहुत अच्छे से महकने लगता है, जब तक ये महके ना तब तक आप इसको भूनिए, बहुत जल्दी भून भी जाता है। उसके बाद मैं इसमें शक्कर और थोड़ा सा पानी डालूँगी, मेरा हलवा बन के हो जाएगा रेडी। और उधर उसके बाद मैं फटाफट करूँगी पूजा की तैयारी। तो ये देखिए मेरा लाल हो गया, बहुत ज़्यादा लाल मैं नहीं कर रही हूँ, हल्का लाल ही कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा हलवा बन के हो गया है रेडी, इसको बस पानी डाली उसके बाद तुरंत ये बन जाता है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया, उसके बाद भी मैं इसको चलाती जा रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और मैंने घुघरी काट के रख लिया था जो कि मुझे बनाना था। इस समय का मटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, मुझे लगा अच्छा होगा बट बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। इस समय का मटर यहाँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा, आपके यहाँ पता नहीं कैसा मिल रहा हो, नो आइडिया, बट मैं जो मटर लेके आई थी बिल्कुल नहीं अच्छा था, कड़ा कड़ा था। अब मैं कर रही हूँ ऐपन की तैयारी। तो इस मैंने आटा ले लिया है चावल का, उसमें मैंने हल्दी डाली, thank you।
घुघरी और चाय। लहसुन हींग और मिर्च डाल के मस्टर्ड ऑयल में मैंने अपनी घुघरी छौंक दी और इसमें मैंने डाल दिया नमक। जब घुघरी मेरी थोड़ी सी हो जाएगी उस समय मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च और भुना हुआ जीरा, उससे मैं भून लूँगी तो बस मेरी घुघरी बन जाएगी। सिंपल तरीके से मैं ऐसे घुघरी बनाती हूँ। और उधर बगल में मैंने बनाया है, रखा है चाय। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही, जब मैं कोई वीडियो बना रही हूँ या डाल रही हूँ तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने तुलसी जी का विवाह की भी, शादी की भी वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, बट वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक दिन नहीं हुआ, दो दिन नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मोबाइल फॉर्मेट करूँ। मैं अपना वीडियो अपने मोबाइल से ही बनाती हूँ, तो मैंने लैपटॉप में डाला सारा वीडियो, बट पता नहीं कैसे वो सारे डिलीट हो गए तो मैं नहीं डाल पाई। इधर 3-4 दिन से मेरे वीडियो नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए सो सॉरी। एंड देखिए अब मैं ये वीडियो कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड कर दूँ। तो बस मुझे यही आपको बताना था। और बहुत अच्छा लगता है तुलसी जी की शादी विदाई, कार्तिक का महीना। कैसा बना बेटा? अच्छा। आपको कैसा लगा? ये ठुकवा आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये पुआ आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बना है। और जिसका शक्कर खड़ा है इससे इसका टेस्ट और बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि नहीं शक्कर खड़ा है, हम चाहते हैं तो हम सीढ़े वाला भी बनाते, बट मुझे यही बनाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा ये, और बहुत जल्दी बना है। शाम हो गई थी, हम लोग बस दिए जलाने जा रहे थे क्योंकि आज है दीप दिवाली, तो इस समय कुछ नहीं तो हम लोग कम से कम 11 दिए तो जला ही सकते हैं, तो इसलिए हम लोग दिए की बस जलाने की फटाफट तैयारी कर रहे हैं। मैंने सारे दिए लगा लिए, आरती कर ली और बस सब जगह मैं दिए लगा दूंगी। तो बस आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड मेरा आने वाला वीडियो आप जरूर देखिए।